और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 घंटे का इंतजार और उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। 8 घंटे का इंतजार बाकी और प्रधानमंत्री के साथ 52 से 55 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। देखिए, शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में अब करीब 8 घंटे का ही वक्त बाकी है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेंगे, इतिहास रचेंगे। जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, आजाद हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही 1952, फिर 1957 और फिर 1962 में लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब यही कीर्तिमान रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 2014, 2019 और अब 2024 में एक बार फिर देश के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय में नजर आ रहे हैं, मनु गिलोवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज पांडे का सबसे पहले आपको रुख करते हैं और नीरज से ही जरा जान लेते हैं। नीरज, जरा बताइए विस्तार से, क्योंकि वो चाय का समय 11:30 बजे का न्योता पीएम आवास पर, जहां उन सांसदों को पहुंचना है जिन्हें शाम में मंत्री पद की शपथ लेनी है, सिलसिला शुरू हुआ पहुंचने का नीरज? बिल्कुल रोमाना, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 लोग जो मंत्री बनने वाले हैं पहुंच चुके हैं, रामदास अठावले और इसके अलावा गिरिराज सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये तीनों नेता इस समय प्रधानमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और गाड़ियों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ, ये प्रधानमंत्री आवास का सीधा गेट आपको दिखाता हूँ, उस गेट से अगर आप देखेंगे तो लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 3 से 4 लोग पहुँच चुके हैं, चूँकि यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा ध्यान देखा नहीं जा सकता, लेकिन फ़ोन पे या उनके सहयोगियों से बात करने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। इसलिए अब तक हमको जो कन्फर्मेशन आई है उसके अनुसार गिरिराज सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले, ये तीनों नेता इस समय प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। 3 नाम बता रहे हैं अभी नीरज पांडे जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर, रामदास अठावले सहयोगी आरपीआई के नेता हैं, गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से जीत कर आए हैं, जितेंद्र सिंह उधमपुर से जीते हैं जम्मू से। मैं सीधे जरा जल्दी से लेकिन अब आपको लेकर चलती हूँ हमारे तमाम जो अलग अलग सहयोगी हैं। प्रकाश कुमार नहीं है इस वक्त हमारे साथ, वरना अगला सवाल तो प्रकाश से ही पूछा जाना था। जिस तरीके से नाम गिरिराज सिंह का सामने आ रहा है और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि दूसरी तरफ जेडीयू से ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है, और चाहे ललन सिंह हो या फिर गिरिराज सिंह हो, दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो क्या बिहार से 2 भूमिहार नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। नीरज के पास अपडेट है। जी नीरज, दो जी किशन रेड्डी और बंडी संजय दोनों प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जैसा कि हमारे खुद सहयोगी ने भी कंफर्म किया और मेरी भी जानकारी है कि दोनों नेता इस समय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पे, क्योंकि प्रधानमंत्री हवाल पर अचानक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। अभी अभी प्रधानमंत्री आवास से 2 गाड़ियां भी उनकी निकली हैं, लेकिन गाड़ियों के अंदर आने का सिलसिला बहुत तेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में इंटर का जो एरिया है वो दूसरी यानी सम्राट होटल के सामने से जो गेट है उस गेट से अंदर जाना है, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को खड़े नहीं होने दिया जा रहा, इसलिए सीधे तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कौन कौन अंदर, लेकिन अभी तक जो कन्फर्म नाम है उसमें जी किशन रेड्डी और बंडी संजय भी पहुँच चुके हैं। गाड़ियों के आने का सिलसिला बहुत तेज है, आप देखिए वो गेट है और उस गेट से हर बार एक कोई ना कोई हर एक मिनट में गाड़ी अंदर जा रही, इससे साफ हो गया है कि लगातार अब मंत्रियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके पहुंचने का सिलसिला तेज हो रहा है। जी किशन रेड्डी, बंटी संजय कुमार, 2 और नामों का जिक्र यहां पर नीरज पांडे की तरफ से किया गया है। दोनों तेलंगाना से आते हैं, दोनों दूसरी बार 2000 लोकसभा का चुनाव जीता है। जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से, और वही बंटी संजय कुमार की अगर बात की जाए तो वो करीमनगर सीट से दोबारा जीत कर आए हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता, आप भी वही प्रधानमंत्री आवास के नजदीक ही है क्या? कौन कौन पहुंच रहा है आपके पास, क्या अपडेट है अंकित?
जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए जिस गेट से प्रधानमंत्री आवास में गाड़ियां अंदर जा रही हैं, मैं उसके बहुत नजदीक हूँ और मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि अब तक जो 3 से 4 गाड़ियां अंदर गई हैं, जिन नामों का जिक्र नीरज ने किया है ये वो तमाम नाम हैं ही, लेकिन उसके अलावा 2 गाड़ियां और थी क्योंकि उसमें जो है काला शीशा था, इस वजह से वो पहचानना मुश्किल था, लेकिन अब तक जो है 3 से 4 गाड़ियां अंदर पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर और कई और जो है कतार इस वक्त लगी हुई है। मैं सामने देख पा रहा हूँ कि कई और सिक्योरिटी व्हीकल्स भी आ चुके हैं और गाड़ियां अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जिस बात का जिक्र हम लोग कुछ पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 11:30 बजे का वो वक्त है, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में वो तमाम लोग यहां पर पहुंच जाएंगे जिनके पास कॉल पहुंचा है। और एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो टॉप 5 मंत्रालय है जिसको जो है CCS कहा जाता है, वो संभवतः बीजेपी के पास अपने पास ही रखेगी और उसके अलावा जो सहयोगी दल है उनको अन्य मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन जो शुरुआती 5 मंत्रालय या जो जिसको जो है कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स कहते हैं CCA, उससे जुड़े हुए जो CCS है उससे जुड़े हुए जो तमाम मंत्रालय है वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। देखिए अंकित गुप्ता, ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि जो CCS है वो बीजेपी सहयोगियों को नहीं देगा और इसका जो चलन है वो गठबंधन सरकारों में यूपीए 1 से ही शुरू हो गया था। और साथ ही जो स्पीकर का पद है उसको लेकर भी अपडेट यही था कि स्पीकर का पद भी बीजेपी जो है वो सहयोगियों को नहीं बल्कि अपने कोटे में ही रखेगी। तो ऐसे में चाहे CCS के पद हो स्पीकर का पद हो उस पर आपको बीजेपी के सांसद ही नजर आएंगे, ये जानकारी पहले ही सामने आ रही थी। फिलहाल जल्दी से आपको निधिश्री के पास लेकर चलती हूँ। पासवान के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और जरा जानते हैं निधि से चिराग पासवान निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर चाय की दावत के लिए। रुमाना, थोड़ी ही देर में मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान निकलेंगे और ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, जश्न का माहौल इनके घर के बाहर है, मिठाइयां बांटी जा रही है। चिराग पासवान पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, पिछली सरकार में इनके चाचा पशुपति पारस मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस बार चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीट जीत कर आए हैं और ऐसे में इनकी दावेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जा रही थी। और थोड़ी देर पहले जब कॉल आया तो इस पर मुहर लग गई, चिराग पासवान थोड़ी देर में निकलेंगे और जाहिर सी बात है मोदी आवास पर PM आवास पर पहुँचेंगे और चिराग पासवान खुश हैं और लगातार खुद को मोदी का हनुमान बता भी रहे थे और आज उन एक तरीके से कहा जाए तो फल मिला है। और हाजीपुर से सांसद चुने गए चिराग पासवान जो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। रोमाना, तो बड़ी जानकारी जल्दी से दर्शकों को हम बता देते हैं। अभी तक जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं तेलंगाना में जिस तरीके की बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली है, जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, बीजेपी के दोनों बड़े नेता तेलंगाना से सांसद चुनकर आए हैं, दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। दोनों पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास चाय की दावत में शामिल होने के लिए। जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं, गिरिराज सिंह पहुंच गए, रामदास आठवले पहुंच गए, चिराग पासवान निकलने वाले हैं। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर क्या है अपडेट जरा जानते हैं जल्दी से मनु गेलोवाल से। चाय बागानों का प्रतिनिधित्व करने वाले, उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व करने वाले मनुज्ञा, आप ही के शब्दों को दोहरा रही हूं, निकले चाय की दावत में प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्बानंद सोनोवाल को लेकर अपडेट। देखिए, कम से कम दिल्ली के सत्ता के गलियारों में थोड़ी सी चाय की खुशबू, अगर असम की हरियाली मिल जाए तो ऐसे ही राहत महसूस होने लगती है। और मैं तो खुद भी आदिवासियों का गमछा पहनकर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो आपको ये बता दूं कि आदिवासियों का चेहरा इस बार बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व में होगा क्योंकि इस बार उड़ीसा से ज्वाल ओरम जो कि पिछली कैबिनेट में ट्राइबल मिनिस्टर रहे थे और उसके बाद डिफेंस के कमेटी के हेड भी रहे, उनको एक बार उड़ीसा से फिर से एक बार जो राउरकेला से सुंदरगढ़ से सांसद हैं उनको फिर से न्योता आ गया है। चाय की चर्चा पर जा रहे हैं अभी देश की दिशा तय करने के लिए। तो आपको उड़ीसा का प्रतिनिधित्व में अश्विनी वैष्णव, ज्वाल ओरम, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान और बाकी सबके नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन इंतजार जरूर हो रहा है। हालांकि उड़ीसा की राजनीति में इस बार बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज, चिराग पासवान निकल रहे हैं अपने घर से, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हटिए हटिए आप लोग हटिए। तो अभी मीडिया से कोई बात की नहीं है, चिराग पासवान सीधे अपने आवास से निकले हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए जहां पर वो तमाम सांसद जिन्हें शाम में मंत्री पद की शपथ लेनी है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं चाय पर चर्चा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।